हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किंटर की हेल्प से किस प्रकार से जो टिक मार्क बटन होते हैं या रेडियो बटन्स होते हैं वो कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ये नया आइडली ओपन कर लिया है और इसमें हम सबसे पहले जो है किंटर इम्पोर्ट करेंगे। From take int t int import star and then हम अपना root है वो define कर देते हैं और t के हमने define किया और अब हमें जो भी title रखना है वो हम रख देते हैं, जैसे r dot title। और हमारी जो window बनेगी उसका title मान लीजिए मैं रखता हूँ attendance, ये हमने टाइटल रख दिया है। अब क्या करना है, हमें वेरिएबल डिफाइन करना होता है, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू। आप जितने वेरिएबल्स देना चाहते हैं वेरिएबल्स दे सकते हैं। और अटेंडेंस में मैं दो वेरिएबल रखना चाहता हूँ, वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू। वेरिएबल वन मैं रखूंगा प्रेजेंट एंड वेरिएबल टू रखूंगा एबसेंट। वेरिएबल वन में हम क्या कर रहे हैं, बुलियन वेरिएबल्स ले रहे हैं। बुलियन वेरिएबल का मतलब होता है ट्रू फॉल्स का जो कंडीशन होगी वो मीट करेगा। कोई सा भी वेरिएबल लेंगे तो भी आप रेडियो बटन्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बुलियन वेरिएबल ले रहा हूँ, बुलियन वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पे। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चेक बटन, चेक चेक बटन। चेक बटन क्या बनाना है हमें, कौन सी स्क्रीन बनाना है, तो स्क्रीन का नाम है मैं आर। और टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट में हम लिखेंगे प्रेजेंट एंड एब्सेंट, तो हमने लिख दिया प्रेजेंट। एंड उसके बाद हमें डालना है वेरिएबल, वेरिएबल क्या रखना है हमें, वेरिएबल वन, वार वन वो डाल दीजिए, वी आर वन। अभी क्या करना है, आपको चेक बाउंड का ग्रिड बनाना है, तो आप चेक बटन डॉट ग्रिड करके अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ग्रिड डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये मैं यहीं पे ग्रिड डाल देता हूँ, ग्रिड। तो ग्रिड में हमें कौन सी रो में रखना है, तो रो जीरो में मैं रख रहा हूँ एंड कॉलम मुझे रखना है वन, कॉलम इज इक्वल टू, और पहले कॉलम जीरो रख देते हैं, अगले में रो जीरो कॉलम वन रखेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वेरिएबल टू कर डिफाइन करना है। वेरिएबल टू भी हमारा क्या होगा, एक बुलियन वेरिएबल रहेगा, एंड चेक बटन कर देना है उसको भी, चेक बटन। फिर स्क्रीन का नाम आर और टेक्स्ट आ गया हमारा, टेक्स्ट यहाँ पे हम डालेंगे एब्सेंट। स्क्रीन का नाम है ना जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन का नाम मान लीजिए रमेश रखते हैं तो यहाँ पे भी आपको रमेश रखना पड़ेगा, यहाँ पे रमेश करके। यहाँ पे रूट रखते हैं तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे मास्टर रखते हैं तो मास्टर की स्क्रीन का नाम हो जाता है। तो एब्सेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, और वेरिएबल करके यहाँ पे आएगा वेरिएबल हमारा टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा वार टू। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, डॉट करके ग्रिड कर दीजिए, और यहाँ पे मैं रो है वो जीरो रखूंगा एंड कॉलम वन कर देता हूँ, इज इक्वल टू वन। अभी ये हमारा हो जाता है कोड पूरा और हमें लूप पूरा करना है, तो आर डॉट मेन लूप, यहाँ भी जो स्क्रीन का नाम रखेंगे उसी नाम से स्क्रीन लूप क्लोज होगा। स्क्रीन शुरू यहाँ से होता है, क्लोज यहाँ पे होगा, तो आर डॉट मेन लूप, और उसके बाद हमें इसको क्लोज कर देना है। चलिए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो कॉलम का स्पेलिंग हमने क्या लिखा है, हमारा जो ब्रिटिश स्टाइल है वो हमने लिखा है, इस कारण हमारा क्या है, कॉलम जो स्टाइल है वो गलत आया है, सी ओ एल यू एम एन होना चाहिए, ये ब्रिटिश इंग्लिश का कॉलम है, ये हमने ठीक कर दिया है। अभी रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा दो एब्सेंट एंड प्रेजेंट के दो टिक मार्क्स आ गए हैं, इनको मैं टिक कर सकता हूँ और टिक जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं हम यहाँ पे।
टिक कर दीजिए, टिक रिमूव कर दिया, टिक करना है टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टिक के जो ऑप्शंस है वो आप बना सकते हैं, एक दो तीन जितना बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और अभी अगर आप ऊपर नीचे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम पहले ही जानते हैं, रो आप वन कर दीजिए और कॉलम है वो जीरो रख दीजिए, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो अभी देखिए, अभी मैं रन करता हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे और ये आ गए ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बनाइए, और लेकिन बनाइए जरूर। इसमें आप और भी नई नई चीजें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल वन रखा है, यहाँ पे आप वेरिएबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखते जाइए, एबसेंट प्रेजेंट की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, इस हिसाब से डेज का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइटल में डेज का नाम डाल दीजिए, फिर पहले वेरिएबल वन दीजिए उसको संडे मंडे ट्यूसडे, तो जिस हिसाब का डे होगा वहाँ टिक कर सकते हो आप। इस हिसाब का भी टिक मार्क का आप स्क्रीन बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अप्रिशिएट कीजिए। कुछ क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर एरर आ रही होती है दोस्तों तो यहाँ पे जो एरर मैसेज था वो यहाँ पे इनको चेक जरूर कीजिए किस कारण से एरर आ रही है, आप समझ जाएंगे कि एरर का आपका कारण क्या है। ये अपने आप बताता है, देखिए यहाँ पे कॉलम मस्ट बी कॉलम, इसने खुद बताया है कि कॉलम का जो हमारा स्पेलिंग है उसमें एरर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम के जो स्पेलिंग है वो चेक करनी है, ठीक करनी है, फिर रन करना है, तो अपने आप एरर होती है वो हट जाती है। उसके बाद भी एरर आ रही है आप नहीं पता कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जवाब दूंगा, नहीं तो हमारे और भी यंग कोडर्स जो हैं सीख रहे हैं कोडिंग, वो भी आजकल काफ़ी मैंने देखा है प्रोएक्टिवली वो लोग भी जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।